पठान मूवी का ट्रेलर आप सबने देख लिया, एकदम गर्दा उड़ा दिया भाई साहब, क्या कहूँ, एकदम मजा आ गया देखकर, एकदम फुल ऑफ एक्शन। और जहाँ पर एक डायलॉग सुनने को मिला कि हाँ भाई साहब अब पठान को अपना वनवास तोड़ना पड़ेगा, तो हाँ वनवास तो तोड़ना पड़ेगा भाई साहब, 4 साल के बाद आप एक मूवी में आ रहे हो जिसमें आप ही लीड में हो। इसके अलावा तो 2022 में कई सारे ऐसे छोटे मोटे कैमियो आपने किए ही हैं, पर यहाँ पर एक बार फिर कमबैक हो रहा है शाहरुख खान का पठान का, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में। और क्या मार्केटिंग गेम खेली है यशराज ने भाई साहब, क्या एकदम सुपर। जहाँ लगभग 2 महीने हो चले हैं इस मूवी के टीजर को आए हुए, वहीं इस मूवी के ट्रेलर की सब वेट कर रहे थे। और ट्रेलर कब आया, लगभग 2 हफ्ते पहले जब मूवी रिलीज होने वाली है। तो सही मानो मैं तो भूल भी गया था कि इसका ट्रेलर आएगा कि नहीं आएगा। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जॉन इब्राहिम से, जो कि अटैक करते हुए नजर आते हैं। जॉन इब्राहिम इस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं, पर यह भी है कि इनके पीछे कोई दूसरा एक बड़ा बॉस होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्स है। जी हाँ, यशराज ने इस ट्रेलर के शुरुआत में ही अपने लोगों को एकदम डार्क ग्रे शेड में दिखाते हुए, उसको राउंड करते हुए ये बता दिया कि भाई साहब ये स्पाई यूनिवर्स है। तो अगर हम यहाँ पर जॉन इब्राहिम को एकदम लीड वाला मेन विलन सोचकर चलेंगे तो ये बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करता है। इस मूवी में हमको यही बताया गया है इस ट्रेलर में, तो ये बात तो कन्फर्म है कि उनका कोई बड़ा बॉस तो होगा ही जो उनसे ये काम करवाता है। अगर यूनिवर्स है तो फिर विलन तो फिर बड़ा ही होना चाहिए, तगड़ा वाला जो मरे ना जल्दी। तो जॉन इब्राहिम को इस बार पैसे मिल गए हैं इंडिया को ख़त्म करने के लिए, तो जॉन इब्राहिम कहते हैं कि भाई साहब बचा सकते हो तो बचा लो। तभी हमारे पठान की एंट्री होती है, उनका ये वनवास टूट गया है। सुपर एक्शन के साथ उन्होंने एंट्री की है, बिल्डिंग के अंदर ही हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए नजर आए हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे अलग लगा, पर ठीक है चलता है। इतना तो 4 साल बाद आए हैं, इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि दीपिका पादुकोण को सिर्फ मुंह दिखाई के लिए नहीं रखा है, दीपिका पादुकोण को भी एक बेहतर रोल दिया है, वो भी सोल्जर बनी है। जैसा कि टाइगर फ्रेंचाइजी में कैटरीना को भी एक अच्छा खासा रोल दिया है, वो एक्शन करती है, जो कि देखने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई साहब लड़कियों को भी बराबर का रोल मिल रहा है, बराबर की स्पेस मिल रही है एक मूवी में। तो ये चीज अच्छी लगी मुझे, बस यही है कि अब वो लास्ट तक बनी रहे और इस यूनिवर्स में कंटिन्यू कर पाए अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को। तो मूवी में फुल ऑफ एक्शन है, जहाँ एक तरफ लोग इसको कह रहे हैं कि भाई साहब इसका बॉयकॉट करो, ये मूवी अच्छी नहीं है, इसमें ये दिखाया गया है ऐसे है वैसे है, वहीं जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर पहली बार देखा था तो तब लगभग 10 घंटे हुए थे और 10 घंटे में 1 करोड़ से ऊपर व्यू आ गए थे। तो आप समझ रहे हो कि जो किसी ने बोलना है वो बोल रहा है, जो ट्रेंड चलाने हैं, जो हैशटैग चलाने हैं वो चल रहे हैं, पर फिर भी लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। और ये वही मूवी है जो बॉलीवुड की किस्मत बदल सकती है। लॉकडाउन के बाद कोई भी मूवी इतना बेहतर काम नहीं कर पाई है बॉक्स ऑफिस पर, खासकर 2022 की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी मूवी बन के सामने आ सकती है। और लोग इस बात से भी एक्साइटेड है कि इसमें ऋतिक और सलमान तो देखने को मिलेंगे ही कैमियो में। अब कईयों के दिमाग में ये बात हुई कि भाई साहब इतना टाइम क्यों लिया, तो भाई साहब टाइम लगना था क्योंकि छोटी मोटी जो कमियां थी टीजर के वक्त उसको इन्होंने क्लियर करके ही ट्रेलर पेश किया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि इन्होंने आदि पुरुष के टीजर से बहुत कुछ सीखा है, ये समझ गए हैं कि फाइनल प्रोडक्ट देने से पहले सभी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी खासी मूवी भी पिटती हुई नजर आएगी। तो हम तो एक्साइटेड हैं, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितना बिजनेस कर सकती है फर्स्ट वीकेंड पर ही, जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके इसमें से फेवरेट कौन है, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान या फिर जॉन इब्राहिम, जो भी आपके विचार है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।